नमः संस्कृताय। अहम् युष्माकं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अस्मि। अस्मिन् ऑनलाइन कक्षायां अहम् युष्माकं पाठ्यपुस्तक रुचिरा कारकं प्रकरणं पाठयामि। अष्टम कक्षाया छात्राय अहम् कारकं प्रकरणं पाठयामि। विद्यार्थियों, ये पूरी पाठ्यपुस्तक संस्कृत में है और मैं आपको बता चुका हूं कि संस्कृत हमारे पूर्वजों की भाषा है, पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे समृद्ध भाषा है, सबसे शुद्ध भाषा है, या किसी व्यक्ति विशेष की भाषा नहीं है, यह सबकी भाषा है और जितने मनुष्य धरती पर हैं सबके पूर्वजों ने संस्कृत भाषा से ही अपने भावों का आदान प्रदान किया था, संस्कृत भाषा से ही उनका विकास हुआ था, संस्कृत भाषा ने ही मानव जाति का उत्थान किया है, उसके बाद लोगों ने नई भाषा का निर्माण किया। ये हो सकता है कि संस्कृत भाषा कुछ क्लिष्ट होने के कारण अब उतना व्यवहार में नहीं है जितना पहले थी, या नई नई भाषाओं के गठन से संस्कृत भाषा का जो प्रभाव है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, लेकिन विशुद्धता में, अच्छाई में, पवित्रता में, गुणवत्ता में आज भी संस्कृत भाषा के सामने कोई टिक नहीं सकता है। हमारा और आपका सौभाग्य है कि CBSE बोर्ड में भी संस्कृत भाषा पढ़ाई जा रही है, केंद्र स्तर पर संस्कृत भाषा को महत्व दिया जा रहा है, पूरी दुनिया में संस्कृत भाषा को महत्व दिया जा रहा है, कंप्यूटर की सर्वश्रेष्ठ भाषा संस्कृत भाषा है। चलिए हम कारक पढ़ते हैं, संस्कृत में है, देखते हैं इसको, संस्कृत का मैं अनुवाद कर रहा हूँ। वाक्य क्रियाया सद्य अन्वय एन पदेन शब्देन वा सह भवति तत्पदं कारकं भवति। वाक्य क्रियाया सद्य, वाक्य में क्रिया का, वाक्य में क्रिया का अन्वय, वाक्य में क्रिया के साथ, सद्य क्रिया के साथ अन्वय एन पदेन शब्देन वा सह भवति, जिस पद या शब्द के साथ होता है, अन्वय मतलब संबंध है, जिस शब्द के साथ संबंध होता है, अन्वय होता है, तद पदम कारकम भवति, उस पद को या उस शब्द को, शब्द पद एक ही है, जब व्याकरण के नियम में आ गया तो पद हो गए, उस शब्द को या उस पद को क्या कहते हैं, तद पदम कारकम भवति, उस पद को कारक, शब्द को नहीं कहेंगे कारक, कारक उस पद को कहेंगे, उस पद को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारकानाम अर्थम प्रकाशयतु एषां प्रत्ययानां संयोजनं सत्य सह भवति ते प्रत्ययाः कारक विभक्त्या भवन्ति। कारकानाम अर्थम प्रकाशयतु, कारकों के अर्थ को प्रकट करने के लिए येषां प्रत्ययानां संयोजनं सत्तैः सह भवति, जिन प्रत्ययों का संयोजन शब्दों के साथ होता है, ते कारक विभक्त्या भवन्ति, वही कारक विभक्ति होते हैं, उन्हीं कारकों को क्या कहते हैं, विभक्त कहते हैं, उनको कारक विभक्त कहते हैं, उसमें प्रत्यय लग जाता है तब। तो विभक्तियां भी दो प्रकार की होती हैं, विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, विभक्तियां समझ गए ना, जब कारक पद में प्रत्यय जुड़ जाता है, कारक शब्द में प्रत्यय जुड़ जाता है, तब वह
इसे राम क्या है, राम करता है, तो राम कारक शब्द है, राम करता है, राम कारक शब्द है, तो राम कारक शब्द है, लेकिन जब वाक्य में आ गया राम पढ़ता है तो राम क्या हो गया, पद हो गया, कर्ता कारक हो गया, तो इसमें विभक्त कौन लगी, राम, क्या हुआ, राम, राम एक शब्द था और राम है एक पद है, उसमें विभक्त लग गई, कौन सी विभक्त लगी, प्रथमा, कौन सी विभक्त लगी, क्यों, क्योंकि इसमें सु प्रत्यय जुड़ा, राम में कौन सा प्रत्यय जुड़ा, सुप्रत्यय, तब क्या हो गया, राम, सुबंत तिगंत, सुबंत प्रत्यय लगता है सत्य में और तिगंत प्रत्यय लगता है धार में, सुप्रत्यय लगा तो क्या बन गया, जब प्रत्यय लग गया तब वही पद क्या कहलाया, तद पदम कारकम भवति, कारक कहते हैं, और कारकाणाम अर्थम प्रकाशयितुं एषां प्रत्ययानां संयोजनं सत्तैः सह भवति, जिन प्रत्ययों का संयोजन होता है, सु सु का संयोजन हुआ, जिन प्रत्ययों का संयोजन होता है, एषां प्रत्यय होता है, ते प्रत्यया कारक भवति, इस प्रत्यय का कहते हैं कारक, क्या कहते हैं, कारक विभक्ति, विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं, एषां कारक विभक्तियां, विभक्ति आप देखिए, विभक्ति आप समझ गए होंगे ना, जब सब में प्रत्यय जुड़ जाता है तब वह पद, उस पद में जो प्रत्यय लगता है वही क्या है, कारक विभक्ति, जैसे राम का भाई, हिंदी में आप समझिए, राम का भाई, तो का क्या है, का विभक्ति है, जैसे वह लड्डू को खाता है तो को विभक्ति चिन्ह है, मोदकम हो जाएगा, मोदकम उसमें अंत में अम जुड़ा है, मोदक माँ जुड़ा है, तो वही क्या है, विभक्ति दो प्रकार की होती है, एक होता है कारक विभक्ति शब्द रूप में आप पढ़ते हैं, और एक होता है पद विभक्ति, तो कारक विभक्ति कारक के आधार पर होती है, एक होता है कारक विभक्ति, कारक के आधार पर होती है, पद के आधार पर नहीं होती, ये कारक के आधार होती है, उसमें पद से मतलब नहीं है, शब्द से कोई मतलब नहीं है, कारक से मतलब है, यदि कर्ता कारक है तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी, कर्म कारक है तो द्वितीया विभक्ति लगेगी, करण कारक है तो द्वितीया विभक्ति लगेगी, संपदान है तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी, अपादान है तो पंचमी लगेगी, संबंध है तो षष्ठी लगेगी, अधिकरण है तो सप्तमी विभक्ति लगेगी, संबोधन कारक है तो प्रथमा विभक्ति लगेगी, और एक होता है उपपद विभक्ति, होता है उपपद विभक्ति, इसमें कारक से कोई मतलब नहीं है, कारक से कोई मतलब नहीं है, चाहे कर्म कारक हो, चाहे करण कारक हो, चाहे संप्रदान कारक हो, इसमें पद से मतलब है, पद के आधार पर विभक्ति लगती है, तो यही उपपद आपके पाठ्यक्रम में है, उपपद विभक्ति में पढ़ना है, पहले तो दोनों पढ़ना है, कारक विभक्ति पढ़ना है और उपपद विभक्ति भी हमें पढ़ना है, पहले कारक विभक्ति देखते हैं क्या है, कारक द्वारा प्रयुक्त विभक्ति ही कारक विभक्ति भवति, माने कारकों के आधार पर लगी हुई विभक्ति, विभक्ति वही प्रत्यय है, कारक के आधार पर लगी हुई विभक्ति क्या कहलाती है, कारक विभक्ति कहलाती है, राम पुस्तकम पठति, रामा में प्रथमा विभक्ति कारक के आधार पर लगा है, स्वतंत्र करता है राम, पढ़ने वाला राम है, पुस्तकम में कारक के आधार पर द्वितीया विभक्ति है, कर्म कारक के आधार पर द्वितीया विभक्ति है, कामेण में कारक के आधार पर, अच्छा ये है, यथा बालकः विद्यालयं गच्छति तत्र बालकः इत्यत्र कर्तु कारकम् इति, प्रथमा विभक्ति, बालक पुस्तक बालक विद्यालय जाता है, तत्र बालक है, यहाँ बालक इत्यत्र कर्तु, यहाँ बालक इति अत्र इति यत्र, यहाँ बालक इति अत्र, इस तरह से यहाँ बालक अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ, कर्तु कारकम् कर्ता कारक है, इति प्रथमा विभक्ति, इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, और विद्यालय इत्यत्र इति अत्र कर्म कारकम् इति विभक्ति, विद्यालय कर्म कारक है इसलिए उसमें द्वितीया विभक्ति है,
तो आप समझ गए हमें कारक विभक्ति, कारक के आधार पर जो विभक्ति लगती है वो कारक विभक्ति है। और दूसरा है उपपद विभक्ति, पदम आश्रित या विभक्ति सा उपपद विभक्ति, पद के आधार पर, पद पर निर्भर होकर के, पद पर आश्रित होकर के जो विभक्ति जुड़ जाती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। यथा गुरुवे नमः, जैसे गुरु जी को नमस्कार है, चिन्ह लगा है को, विभक्ति हुई है चतुर्थी, जबकि को में द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए, यहाँ कारक से कोई मतलब नहीं है। गुरुवे नमः इत्यत्र कर्म कारकम् इति द्वितीया विभक्ति, अत्र नमः इति पदस्य प्रयोगेण चतुर्थी विभक्ति, यहाँ नमः इस पद के योग में, माने नमः पद के योग में, जहाँ नमः लग जाता है उस पद के योग में जिसको नमः, जिसको नमस्कार किया जाता है, जिसे नमन किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। वो चाहे कारक हो, चाहे कर्म कारक हो, चाहे करण कारक हो, चाहे संप्रदान कारक हो, उससे मतलब नहीं है। एक पद विशेष के आधार पर जो विभक्ति लगती है उसे उप पद विभक्ति कहते हैं। यहाँ नमः के आधार पर जिसको नमः प्रणाम किया जाए उसमें संप्रदान कारक, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक नहीं, चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा कथा गुरुवे नमः अत्र नमः इति पदस्य प्रयोगेण चतुर्थी विभक्ति, ऐसे अभितः परितः समया निस्सा, इसमें लिखा है कि ग्रामम अभितः पर्वताः सन्ति, गांव के चारों ओर पर्वत हैं, परितः ग्रामम, ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति, गांव के चारों ओर बगीचा है, उभयतः विद्यालयम उभयतः पुष्पवाटिका, विद्यालय के दोनों ओर फुलवारी है, सर्वतः पुष्पवाटिकाम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, पुष्पवाटिका के चारों ओर वृक्ष हैं, शंकरेण सह रोहिणी गृहं गतवती, शंकर के साथ रोहिणी घर जाती है, शंकर के साथ रोहिणी घर जाती है। यहाँ साधन नहीं है, अभी तक जो आपने पढ़ा अभिता परिता समया अभिता परिता उभयता सर्वता, इन चार शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है चाहे जो कारक हो, लेकिन जहां इनका योग होगा उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। ग्रामम अभिता, इसके चारों ओर ग्राम, गांव के चारों ओर, चिन्ह लग रहा है के संबंध है गांव के चारों ओर, लेकिन होगा द्वितीय विभक्ति। उभयता विद्यालय, उभयता विद्यालय, विद्यालय के यहाँ चिन्ह के है संबंध कारक का, लेकिन होगी द्वितीय विभक्ति। तो ऐसे सह, सह के योग में साधन नहीं है। शंकरेण सह रोहिणी गृहं गतवती, यहाँ शंकर साधन नहीं है, शंकर साथी है, साथ जा रहा है। तो सह के योग में, साथ के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो सह पद जहां हो जिसके साथ, उसे यहां पर है कि शंकरेण सह रोहिणी गृहं गतवती, तो सह पद है, पद क्या है सह, जिसके योग में सह लगा हो, किसके योग में है संकरेण के, संकरेण किसके साथ जा रही है, संकर के साथ जा रही है, तो सह लगा है किसके योग में संकरेण के योग, संकरेण संकर। तो इस सह के आधार पर संकर ने द्वितीया विभक्ति हुई, हो गया संकरेण, क्या हो गया संकरेण। साधन नहीं है संकर, करण नहीं है संकर, विभक्त दिया है, इसीलिए शब्द रूप में विभक्त दिया रहता है, कारक नहीं दिया रहता है, विभक्त दिया विभक्ति, वो कारक विभक्त में भी दिया विभक्ति होगा और उपपद विभक्त में भी दिया विभक्ति, माने सहायक को तब भी दिया विभक्ति, साथ के रूप में हो तब भी दिया विभक्ति। तो विभक्तियां होती हैं उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति। फिर इसी तरह सब है साकम में भी, साकम के योग से, साकम माने भी साथ होता है, समम के योग में भी द्वितीया विभक्ति, साधन के योग में भी द्वितीया विभक्ति, सा साकम समम साधन तीनों के, चारों शब्दों के योग में, चारों पदों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। चारों पदों के योग में कौन सी विभक्ति होती है द्वितीया विभक्ति होती है, अलम, अलम के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, नमः स्वाहा स्वाहा अलम, नमः
देखिए अलम में चतुर्थी विभक्ति होती है, अलम समय राम रावणाय अलम, अलम विवादेन अलम समय राम रावणाय अलम, अलम माने पर्याप्त होता है, राम रावण के लिए पर्याप्त है, वहां अलम में चतुर्थी विभक्ति और जब कर्ता नहीं है तब वहां तृतीय विभक्ति हो गया है। अलम विवादेन, विवाद मत करो, अलम समेण श्रम पर्याप्त हो गया, विवाद पर्याप्त हो गया, राम रावणाय अलम, यहाँ आशय है कि राम, देखिए इसको इस तरह समझिए कि जब कर्ता न हो तब अलम में तृतीय विभक्ति हुई है और जब कर्ता लगा है तो फिर उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। जैसे अलम विवादे, अलम माने होता है पर्याप्त, पर्याप्त हो चुका, तो अलम विवाद है, विवाद है, विवाद हो चुका है, विवाद पर्याप्त हो चुका है। अब और आगे मत पढ़ाइए, कहने का आशय है अलम समय श्रम पर्याप्त है, अब और श्रम मत कीजिए, ये कहने का आशय है। राम रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है, यहाँ मारने की बात हो रही है कि युद्ध में राम रावण के लिए पर्याप्त है, यहाँ राम कर्ता लगा है, इसलिए रावणाय में चतुर्थी विभक्ति है अलम के योग में। अगला है कि यहाँ विवादे में समेण में चतुर्थी विभक्ति नहीं है, तृतीय विभक्ति होगी। फिर अगला है कि नमः स्वाहा स्वाहा वसत, इन चारों शब्दों के योग में, चारों पदों के योग में, शब्द नहीं है पद है, चारों पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गुरुवे नमः, तो गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति है, अग्ने स्वाहा अग्ने चतुर्थी विभक्ति है, पितृभ्य स्वाहा पितृभ्य में चतुर्थी विभक्ति है, देवताये वसत देवतावे की चतुर्थी विभक्ति है। विभक्ति हमारे विद्यार्थी तब पहचानेंगे जब शब्द रूप पढ़ेंगे, तो कारक आप पढ़िए और इसको लिख लीजिए, परिभाषा नियम उदाहरण नियम है, इसके बाद मैं आपको उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाने के बाद सीधे शब्द रूप पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब कल मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाऊंगा। मैं समझता हूँ कारक और विभक्ति आप समझ गए, संस्कृत में कारक क्या है और विभक्ति क्या है, विभक्ति के भेद कितने हैं, किस तरह से उनका प्रयोग होता है शब्दों में, इसको आप जान गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।